हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ आपके घर के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मल्टी विटामिन हेल्दी वेट गेन फूड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस फूड को बनाकर अपने बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चों का वज़न हेल्दी तरीके से बढ़ने लग जाएगा, बच्चों की इम्यून पावर बढ़ेगी और बच्चों को ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और ये डाइजेस्ट होने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो फिर आइए इस सुपर हेल्दी एंड टेस्टी फूड को बनाना शुरू करते हैं। इस हेल्दी फूड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए सामा लिया है। तो दोस्तों, ये वही सामा है जिसे आप व्रत में बनाकर खाते हैं। ये डाइजेस्ट होने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं, ये दिखने में कुछ इस तरह का होता है। और अब सबसे पहले हम इसे वॉश कर लेंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बाउल ले लिया है। इसमें हम 2 चम्मच सामा डाल देंगे, तो इतना ही बहुत है बच्चों के लिए। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे मिक्स करते हुए सेम इसी प्रोसेस से इसे 2 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस पर मैंने स्टील का प्रेशर कुकर रख दिया है। इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे 1 चम्मच घी और इसे गर्म होने देंगे। तो ये देखिए, घी हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 पिंच के लगभग जीरा, इसे हम डाल देंगे कुकर में। साथ ही इसमें मिलाएंगे 1 पिंच से थोड़ी सी कम हींग और इसे मिक्स करते हुए भून लेंगे 4 से 5 सेकंड के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर। और जीरा जैसे ही हल्का सा चटक जाएगा तब इसमें हम मिलाएंगे 1 छोटा सा प्याज, जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया है मैंने। मिक्स करते हुए इसे भून लेंगे 30 सेकंड के लिए, इसका रंग हल्का सा चेंज होने तक। तो ये देखिए, प्याज का रंग हल्का सा चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आना भी शुरू हो गई है इसमें से। और इसी समय पर हम इसमें बाकी की सब्जियां भी ऐड कर देंगे। तो इसमें हम सबसे पहले गाजर मिला देते हैं। सब्जियों को अच्छे से वॉश करने के बाद बिल्कुल बारीक काट लिया है मैंने। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी ग्रीन बीन्स, साथ ही इसमें मिला देते हैं थोड़े से मटर। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा कच्चा आलू और अब इसमें हम मिलाएंगे 1 छोटा चुकंदर बिल्कुल बारीक कटा हुआ। तो जो भी सब्जियां आपके घर में अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे मिक्स करते हुए भून लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो सब्जियों को भूनते हुए मुझे लगभग 1 मिनट हो चुका है। और अब इसमें हम मिला देंगे 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, इसे हम डाल देंगे कुकर में। मिक्स कर लेंगे इसे। तो ये देखिए, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे सामा, जिसे हमने पहले से ही वॉश करके रखा हुआ है, इसे हम डाल देते हैं कुकर में और इसे मिला लेंगे सभी सब्जियों के साथ में और इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें हम मसाले भी ऐड कर देंगे। तो इसमें हम मिला देते हैं 1/4 चम्मच नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 पिंच हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें मिला देते हैं 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर। तो सभी मसाले हमने डाल दिए हैं कुकर में, मिक्स कर लेंगे इसे। और जैसे ही सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब इसमें हम पानी भी मिला देंगे। तो 1.5 ग्लास के लगभग पानी हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो ये 1 ग्लास पानी डाल दिया है मैंने कुकर में। अब इसमें 1/2 ग्लास पानी और मिला देंगे। और पानी कुकर में डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसमें हाई फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कुकर में लगभग 5 सीटी आ चुकी है, कुकर का प्रेशर भी ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं और आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। तो बस अब हम चम्मच की या मैशर की हेल्प से इसे हल्का दरदरा सा मैश कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अगर आप ज़्यादा छोटे बच्चे को खिला रहे हैं तो मिक्सी जार में डालकर इसे हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपके साथ रोज़ाना हेल्दी फूड शेयर करती हूँ और अगर आप ये फूड बच्चों को बदल बदल कर खिलाते हैं तो बच्चों को बोरियत भी नहीं होगी और बच्चा स्वाद लेकर खाएगा और बच्चों का वज़न हेल्दी तरीके से बढ़ने लग जाएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
आपका एक लाइक और एक व्यू मुझे और आगे आपके बच्चों के लिए हेल्दी फूड बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसे मैश करते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और ये हमारा हेल्दी बेबी फूड बनकर तैयार है। और अब आप इस फूड को बच्चों को हल्का ठंडा होने के बाद खिला सकते हैं। और अब ये फूड बच्चों को सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। अगर आप ये फूड अपने बच्चों को बनाकर खिलाते हैं तो बच्चों का पेट भी अच्छे से भरेगा, बच्चा इसे टेस्ट लेकर खाएगा और बच्चों का वज़न भी बढ़ने लग जाएगा। साथ ही आप इस रेसिपी को 10 महीने से ऊपर के बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं। आप इसे लंच, डिनर किसी में भी बनाकर खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी रेसिपी है। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। और इसी के साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।